हिंगना थाना अंतर्गत डेढ़ वर्ष की बच्ची पर ट्रक चढ़ जाने से उसकी मौत हो गई। मृतका रुचिका खंडाते वार्ड नंबर 1 मौजा धामना निवासी थी। फरियादी अनिल भीमराव खंडाते की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक सुमित ध्रुवे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोरोना संकट काल में अनेक लोगों ने अपना रोजगार गवा दिया है, उन्हें राहत मिलने वाली है। महारोजगार मेला में महास्वयं ऐप द्वारा एक क्लिक पर नागपुर सिटी में 6,564 नौकरी के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। संभाग में करीब 8,890 बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके लिए बेरोजगारों को ऑनलाइन पंजीयन कराने की अपील कौशल्य विकास विभाग द्वारा की गई है। दशकों से अधिक समय से भाजपा के गढ़वाले नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सुनिश्चित जीत की संभावना के बावजूद हार का झटका लगने को अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि कोरोना से पीड़ित होने का दूसरा झटका महापौर संदीप जोशी को झेलना पड़ रहा है। गुरुवार को स्वयं महापौर ने ट्वीट पर जानकारी साझा की। दिन दहाड़ी हजारी पहाड़ परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने कृष्णानगर निवासी 60 वर्षीय वृद्धा और एक 10 वर्षीय बालक की निर्ममता से हत्या कर दी। प्रेम संबंध में बाधा बने प्रेमिका की दादी और उसके भाई पर चाकू से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतका हजारी पहाड़ कृष्णा निवासी प्रमिला ध्रुवे और बालक यश मोहन ध्रुवे बताया गया है। हत्या के बाद देर रात आरोपी हंसापुरी निवासी आरोपी मोइन खान वल्द गुलाम सरवर ने मानकापुर पुलिया के नीचे ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को रात 11 बजे आरोपी की आत्महत्या की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर रेलवे ट्रैक पर पड़े आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया। कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों के दौरान जबकि अधिकांश कारोबारी गतिविधियां बंद थी, आयकर विभाग नागपुर ने कर संग्रह के मोर्चे पर पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समय टैक्स कलेक्शन के मामले में बेंगलुरु के बाद नागपुर विभाग दूसरे स्थान पर है। पूरे देश में केवल बेंगलुरु विभाग में ही अब तक टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बढ़ाई दिखा दे रहा है, बाकी सब रीजन निगेटिव चल रहे हैं। पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े व मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे की नियुक्ति विधानसभा नियम 208 के तहत विधानमंडल की अंदाज समिति में बतौर सदस्य के रूप में की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस संदर्भ में परिपत्रक जाहिर किया है। समिति पर नियुक्ति से उनके समर्थकों ने अभिनंदन किया है। केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति देने के फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में IMA की ओर से 11 दिसंबर को सभी निजी अस्पतालों में OPD बंद रखी जाएगी, लेकिन इमरजेंसी और कोविड जांच नियमित रूप से जारी रहेगी। महिलाएं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार रोकने तथा आरोपियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की ओर से शक्ति जैसा मजबूत कानून लाया गया है। अब साइबर अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इसी तर्ज पर साइबर एक्ट लाने की जानकारी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पत्र परिषद में दी। उन्होंने कहा कि शक्ति की तरह ही साइबर कानून भी कड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों का निपटारा 45 दिनों के भीतर करने का प्रावधान किया गया है। कुकर्म करने वालों को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आज के समय में हर व्यक्ति के लिए कौशल विकास बेहद आवश्यक हो गया है। युवाओं में यही कौशल विकास बढ़ाने का कार्य पिछले 62 वर्षों से केंद्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसका हमेशा से ही उद्देश्य रहा है कि शहरी हो या ग्रामीण, सभी कौशल्यपूर्ण हो। CBWED अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहा है, यह कहना है CBWED के महानिदेशक हर्ष वैद्य का। इसके अलावा उन्होंने सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर महिलाओं को प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन को लेकर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय के विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के दिसंबर में होने वाले शीत सत्र में विधेयक को पास किया जाएगा। इस पूरे मामले में खेल मंत्री सुनील केदार का विशेष प्रयास रहा है।